हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कट एंड स्प्रेड थेरी में प्लाजो कैसे कटिंग करते हैं वो सिखा रही हूँ। तो ये देखते हैं उसका ड्राफ्टिंग। फुल लेंथ है 39 इंच प्लस 2 इंचेस करेंगे और 1 इंच माइनस बेल्ट करेंगे। ये 1 इंच माइनस बेल्ट किया 39 प्लस 2 इंचेस। यहाँ मैंने 1 इंच माइनस बेल्ट किया है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद सीट राउंड का 4 पार्ट प्लस 2 इंच। सीट राउंड है 40 इंचेस, उसका 4 पार्ट 10 इंच प्लस 2 इंच 12 इंच। 12 इंच का स्क्वायर बनाएंगे। ये हमने स्क्वायर बनाने के बाद इसके आगे 1.5 इंच लेंगे। ये आप हेवी सीट राउंड है तो 2 इंचेस तक ले सकते हो और उसके बाद ये फोक राउंड दे सकते हो। बॉटम राउंड 15 इंच लेंगे, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से ये ज्वाइन करना है। ये मैंने बेसिक प्लाजो का ड्राइंग करके लिया है। अभी इसमें हम कट एंड स्प्रेड थेरी के लिए कुछ चेंजेस करेंगे, तो सबसे उससे पहले ये कट करके लेते हैं। ये बेसिक प्लाजो मैंने कट करके लिया है, इसमें हम अभी कट एंड स्प्रेड थेरी का ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके लिए इसके हम 3 पार्ट बनाते हैं। ये साधारण 13.5 इंच है, इसके 3 पार्ट हमने बना लिए। साधारण ये तीनों पार्ट सेम आने चाहिए। ये जो लाइन ड्रॉ किए है वो कट करना है। अभी ये हमने जो फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है। इसका मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। यहाँ 2 फोल्ड है और यहाँ 4 लेयर है, तो इस तरह से मैंने ये फोल्ड करके लिया है। अभी ये जो हमने कटिंग किया है पेपर कटिंग, ये यहाँ सेंटर में रखना है। इसको बोलते हैं कट एंड स्प्रेड थेरी। तो अभी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ मैं 5 इंच कटिंग कर रही हूँ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ये कट एंड स्प्रेड थेरी में प्लाजो कटिंग हो गया। अभी इसके लिए हम पॉकेट का कटिंग करते हैं। इसमें साइड पॉकेट लगाते हैं। साइड पॉकेट के लिए लेंथ आपकी चॉइस से ले लीजिए। ये साधारण 10 इंच रहती है, उससे आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। 10 इंच से मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ विथ सिलाई मार्जिन। तैयार ये 10 इंच का बनेगा, तो आधा आधा इंच यहाँ सिलने के लिए जाएगा और ये 5 इंच के आसपास लेना है। और इस तरह से आपको जो चाहिए वो शेप दे सकते हो या इस तरह से ऐसे रख सकते हो। ये मैंने पॉकेट का कटिंग करके लिया है। इसमें बेल्ट भी निकाल के लेते हैं। ये 4 लेयर है, इसके लिए मैंने यहाँ भी 4 लिया है। तो ये 1 इंच चाहिए तो हमें यहाँ 3 इंच का चाहिए, तभी वो 1 इंच का तैयार हो जाएगा। अभी मैं अलग अलग 4 करके ले रही हूँ। यहाँ से मैं 3 इंचेस ले रही हूँ क्योंकि इसमें मैं 1 इंच का इलास्टिक डाल रही हूँ। एक दूसरे को चारों पार्ट जोड़ के ये बेल्ट के जितने में तैयार करूँगी। तो ये बेल्ट हो गया, पॉकेट हो गया। 2 लेयर ये यहाँ इस तरह से आएंगे सामने सामने। तो उससे पहले हम यहाँ पॉकेट कैसे लगाते वो सीखते हैं। पॉकेट लगाने के लिए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हैं दोनों साइड, 2 और 5 इंच पे 2 मार्क करना है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड पे ये यहाँ इस तरह से रखना है, ये हमारा सीधी बाजू है। जो हमने मार्क किए हैं यहाँ 3/4 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है, तो ये 3/4 इंच मार्जिन पे मार्क कर रहे हो और इतना सा ही हिस्सा आपको स्टिच करके लेना है। यहाँ से ये जो मार्जिन है वो बहुत ज़रूरी है, तो ये हम यहाँ से लॉक करके स्टिच करके लेते हैं। यहाँ मैंने लॉक करके स्टिच किया है। यहाँ इस तरह से कटिंग करना है सिलाई तक, यहाँ सिलाई है। अभी इसके बाद यहाँ टॉप सिलाई डाल के लेना है। ये हमारा पॉकेट का कपड़ा है और ये हमारा साइड पीस है ये। तो यहाँ मैं जहाँ पॉकेट है वहाँ मैं टॉप सिलाई डाल के ले लूँगी। यहाँ मैंने टॉप सिलाई दे के लिया है। अभी इस तरह से पलटी हो जाएगा और ये जो है मैंने जो स्टिचिंग किया था मार्जिन, ये इस तरह से बाहर आए। ये पॉकेट का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। ये
हमारा फ्रंट साइड, ये बैक इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ से इससे स्टिचिंग करके लेना है। जब ये स्टिचिंग हो जाएगा तो इस तरह से ये पॉकेट यहाँ दिखेगा। यहाँ सब एक दूसरे पे अच्छे से अटैच करके लेना है। अभी सिलाई जब हम देंगे तो यहाँ से सीधा एंड तक देंगे। इसमें मैंने बैक फ्रंट दोनों पकड़ा है तो सिलाई अब भी हमें यहाँ से सीधा बॉटम तक देना है। ये मैंने पलटी करने के बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मैंने पैक करके लिया है ताकि ये हिलेगा नहीं। इसके बाद ये फ्रंट साइड है, इसमें एक पैक रखना है और यहाँ से बॉटम तक स्टिच करके लेना है। अभी यहाँ इस तरह से ये हो जाएगा। ये फ्रंट है, ये बैक है। अभी ये जो सिलाई इस तरह जाएगी, यहाँ आपको टॉप सिलाई देके लेना है। इस तरह से मैंने टॉप सिलाई देके लिया है। ये हमारा साइड पॉकेट तैयार हो गया। अभी जो ये हमारा ओपन है ये हमें स्टिच करके लेना है। यहाँ भी ये फिनिशिंग हो गया, सिर्फ आपको यहाँ ओवरलॉक करना पड़ेगा तभी ये पूरा फिनिशिंग होगा। ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी करके लेना है। यहाँ मैंने जोड़ के लिया है। अभी जो इनर लेंथ है यहाँ से यहाँ स्टिच करके लेना है। इनर लेंथ स्टिच करके लेना है, इनर लेंथ सिल के लिया है। अभी जो ये बॉटम है, बॉटम में हम यहाँ आधा आधा इंच के दो फोल्ड डालेंगे और इस तरह से बॉटम फिनिश करके लेंगे। ये मैंने बॉटम फिनिश करके लिया है। आपको इजी तरीके से बेल्ट लगाने के लिए, पूरा राउंड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ जो है शुरुआत में निकालिए। मैंने दो तीन स्टिचेस ही निकाला है। अभी ये जो है इस तरह से पहले स्टिच करके लेंगे और पूरा ये सिलाई बाद में देंगे ताकि यहाँ आपका फिनिशिंग आ जाएगा। ये मैंने बेल्ट लगा लिया। अभी ये जो मैंने टाके दो तीन निकाले थे, अभी ये पूरा स्टिच कीजिए ताकि यहाँ आपका फिनिशिंग आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ स्टिच करके लेती हूँ। ये जो हमने फोक जोड़ा था यहाँ से पूरा बेल्ट तक, ये बेल्ट इस तरह से अभी यहाँ फिनिशिंग हो जाएगा। ये पूरा ऐसे लग गया। अभी आपको ये यहाँ से ये दोनों मैंने साइड यहाँ से और यहाँ से ऊपर लिया है ताकि ये इस तरह से होके भी यहाँ से स्टिचिंग आएगा और ये जो स्टिचिंग आएगा यहाँ से इस तरह से दिखेगा। एक इंच वाला इलास्टिक है, ये हम वेस्ट राउंड जितना है उतना कटिंग करेंगे। 34 वेस्ट राउंड है, मैं 34 इंच का इलास्टिक कट करती हूँ। आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो एक आध इंच कम कर सकते हो, फिर ये ओवरलैप होता है तो एक इंच लेस ही हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 34 इंच का इलास्टिक कट किया है। ये इस तरह से हमने जहाँ किया है ये खींच के इसमें दो टाके आप तोड़ दीजिए। यहाँ से इस तरह से मैंने दो स्टिचेस निकाल दिए हैं, दो तीन स्टिचेस। अभी ये सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से इलास्टिक लग गया है। अभी ये जो है यहाँ हम पक्की सिलाई करके लेते हैं और फिर ये इसके अंदर जाएगा। ये जो हमने एक इंच ओवरलैप किया है उससे आपके वेस्ट से थोड़ा कम ही हो जाएगा इलास्टिक, तो ये परफेक्ट बैठेगा। यहाँ मैंने स्टिच करके लिया है। अभी जो है ये अंदर चला जाएगा। अभी ये सिलाई पैक करनी है। तो इस तरह से ये इलास्टिक लगा के प्लाजो हो गया। अभी ये इस तरह से प्लाजो पैंट तैयार हो गया। दोनों साइड मैंने पॉकेट लगाया है, ये अंदर की साइड से भी हमने फिनिशिंग किया है। इस तरह से ये प्लाजो हम लोग कट एंड स्प्रेड थ्योरी में किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।